हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स बच्चों ये अपना जेई मेन e. का थर्ड सितंबर को जो सिप्ट टू में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा एंड मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ ठीक है तो देखिएगा आप इसमें पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का है ठीक है अब जीरो से वन बाय ये पूरा पार्ट चल रहा है इसमें वन माइनस एक्स देख के ना आपको क्लिक करना चाहिए कि एक्स के बदले अपन साइन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट देन करेंगे डीएक्स इज थीटा डी थीटा अब इसी के अकॉर्डिंग लिमिट जो चेंज होगा इसका कंसेप्ट पता होगा आपको जीरो से ये पाइव बाई सिक्स में आएगा पूरा रिप्लेस करें तो दिस दिसन स्क्वायर थीटा डीएक्स क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा डिनोमिनेटेड अगर देखें अपन वन माइनस साइनस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फाइनली दिस इज कॉस क्यूब थीटा अब अगर पूरा इसको सिंपलीफाई करो तो जैसे जीरो टू पाई सिक्स एंड टेन ये बहुत ही बहुत सिंपल सा पार्ट बन गया होल होगा टेन थीटा माइनस थीटा लिमिट आप पुट कर सकते हो जीरो टू पाइव बाई सिक्स की तो फाइव बाई सुट करोगे तो टेन पाई बाय सिक्स टेन पाई बाय सिक्स कितना हो गया वन बाय रूट थ्री माइनस फाइव बाई स अब आप यहाँ से राइट साइड के बाय दे रखा है तो एल ले लीजिए सिक्स माइनस अंडर रूट थ्री पाए अपॉन मेंूट थ्री टू के बाई स आप के कंपेयर कर सकते हो और फिर आपको के की वैल्यू दिखाई देगी जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी दैट इज टू रूट थ्री माइनस पाई दैट इज इन सेकेंड ऑप्शन ठीक है बच्चों ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों अब अगर इसको देखें अपन ये आपका कॉर्डिनेट जोमेट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ है अब ये चल रहा है और हाइपरबोला चल रहा है दोनों के का प्रोडक्ट वन दे रखा है तो लिखते हैं तो बी ए स्क्वायर अपॉन में ट्वेंटी माइनस वन फाइनली पूरा कैलकुलेट करोगे माइनस वगैरह को सेट करोगे तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वेंटी फाइव हाइपरबोला के लिए अगर काम करें तो बी स्क्वायर इज इसको अगर आप कैलकुलेट करो दिसर अपॉन में प्लस वन अब ई वन ई टू वन दे रखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो वन स्क्वायर ई टू स्क्ल टू वन ही आएगा मतलब प्रोडक्ट कर दें इनका तो प्रोडक्ट कीजिएगा तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वेंटी फाइव सेकेंड इज

और इस सेंट्रिसिटी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना तो यहाँ से E1 जो आएगा में 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 तो फिर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे के बदले बीवाइन पुट कर लीजिए तो नाइन अपॉन में सिक्सटीन प्लस वन स्क्वायर में चल रहा है अंडर रूट वगैरह लेंगे तो ये आपका फाइव अपॉन में फोर आ जाएगा क्लियर है अब इसका फोकाई लिख लेते हैं अपन एलिप्स का जो फोकाई होगा दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा जीरो ना बच्चों को यूज़ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो एलिप्स के लिए सिमिलरली हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होगा दैट इज ऑल्सो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो यहां से ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो

अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये ठीक है बच्चों अब ये अंडर रूट वन प्लस एक्स देख के ना दिमाग में आता है अपन कि x के बदले अपन टेन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर देखिए ये बना फाइनली साइन इनवर्स के अंदर यहाँ तो टेन थीटा बन गया और यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा फाइनली दिस इज सेक और dx के बदले क्या आ जाएगा टू टाइम्स टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अब देखो यहाँ से

इंटीग्रल ऑफ सेकेंड अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे अपन तो इसके इंटीग्रल के लिए अब अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है यहाँ से टेन थीटा को टी बोलेंगे थीटा 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 तो me, second, तो फाइनली दिस अपॉन में इंटीग्रल ऑफ इसको और कैलकुलेट करें ठीक है तो टू ये आया थीटा टेन थीटा में, टू। में वन टू। टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन तो दिस थीटा थीटा और एक प्लस सी चिपका दीजिए क्लियर अब देखो यहां से इस टू के फैक्टर को अंदर भेजो तो दिस इज थीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या बना लेगा माइनस में टेन थीटा प्लस में थीटा प्लस में सी री सब्सटीट्यूट कीजिए थीटा की वैल्यू तो टेन थीटा क्या हो गया आपका रूट एक्स ना दैट इज ये तो आप देख ही सकते हो दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स तो थीटा क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स टेन स्क्वायर थीटा दैट इज एक्स माइनस टेन थीटा अंडर थीटा इज अगेन टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ देखो आप राइट साइड टेन इनवर्स रूट एक्स को अगर आप एक साथ रखो तो इसके साथ फंक्शन क्या क्या आएंगे x one, में x आएगा, में c आएगा. काम करेगा तो एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स जो कि आपका थर्ड पार्ट में है क्लियर है बच्चों तो आ जाना चाहिए ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अब ये देखिए ये आपका बाइनोमियल से लिया गया क्वेश्चन है ठीक है अब बाइनोमियल में

और ये बना आपका वन अपॉन में थ्री की पावर सिक्स थ्री की पावर क्यू और टू की पावर क्यूब इसको अरेंज करते हैं नाइन से सिक्स देखिएगा जरा वन अपॉन में थ्री क्यू इन टू में टू क्यू फाइनली ये पूरी वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो इसको ठीक है कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा सेवन अपॉन में एटीन दिस इज योर आंसर और इसको अपने को एटीन लेमडा करना है

Z1 X1 Y1. यहां पे क्या बना मॉड के अंदर वगैरह करोगे तो यहाँ से आएगा मॉडुलस लिख भी दिया मैंने और स्क्वायर भी कर दिया इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर अरेंज कर लीजिए तो वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस नंबर फर्स्ट यहाँ से सिमिलरली सेकेंड में काम करेंगे तो वहां से आना चाहिए आपका वाई टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स टू प्लस वन इज दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर मैं ए प्लस बी अप्लाई कर देता हूँ वाई वन प्लस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू इज देखिएगा माइनस टू एक्स वन और ये प्लस में आएगा आ, फिर उधर ले जाओगे दिस इज टू टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू ये एक रिलेशन आया अब इस चीज को यूज करने का टाइम है इसको। आर्गुमेंट आप, सोचो, X1, Y1. Z2 को आप सोचो, X2, Y2. तो दिस इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री ये बोल सकते दिस इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री तो अगर आप अरेंज करो ठीक है आर्गुमेंट सबके अकॉर्डिंग तो फाइनली जो आपकी यहाँ पे जो जरूरत पड़ने वाला वैल्यू का दैट इज वाई वन प्लस वाई टू इज को भी सेट कर लेते हैं रेसीप्रोकल so, भी ले लेते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन टेन सिक्सटी रूट थ्री होगा वन बाई रूट थ्री

प्रोबेबिलिटीस uh, उठाया गया क्वेश्चन है बट प्योर पी एनसी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव डिजिट नंबर दैट आर मेड अप ऑफ एग्जैक्टली टू डिजिट ठीक है तो टोटल नंबर जो फाइव डिजिट के टोटल नंबर बनेंगे तो पांच स्पेस हो गए तीन चार पांच इस डब्बे को भरने के लिए नाइन ऑप्शन जीरो नहीं आ सकता बाकी हर एक जगह कितने ऑप्शन हो जाएंगे दस दस ऑप्शन हो जाएंगे ये तो हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा दस दस

मान लीजिए जीरो नहीं है अपने पास तो अब अपने पास क्या हुआ नाइन ऑप्शन बचे वन टू थ्री से लेके कहा तक नाइन तक टोटल नाइन ऑप्शन मान लीजिए नाइन में से दो को सेलेक्ट किया मैंने ठीक है अब यहां से पांच जगह है, तीन चार पांच अब हर एक डब्बे को भरने के लिए दो ऑप्शन ठीक है क्योंकि दो डिजिट है अपने पास तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं टू की पावर तो टोटल टू की पावर फाइव नंबर मगर इसमें से दो नंबर लोचा करेगा कौन सा मान लीजिए से ने तो होगा क्योंकि पांचों जगह पे एक ही डिजिट यूज हुए और सिमिलरली हर एक जगह, जगह जब पांच आ गए तो वो भी यूज नहीं होगा तो ये आपका विदाउट जीरो केस में माइनस होगा जीरो एक डिजिट आपका जीरो आ जाए ठीक है समझिएगा तो एक तो स्पेस पक्का जीरो आ गया अच्छा अब नौ जो बचे आपके उसमें से कितने को सेलेक्ट करोगे एक ही को सेलेक्ट करोगे अब जो पांच जगह फिल करने हैं अपने को उसमें से एक जीरो है अपने पास ठीक है और एक मान लीजिए नाइन सी वन से मैंने थ्री को सेलेक्ट कर लिया यहां तो थ्री ही होगा फिक्स है यहां जीरो नहीं आ सकता अच्छा अब इस डब्बे के लिए दो ऑप्शन इस डब्बे के लिए दो दो और दो तो टोटल कितना हुआ टू की पावर फोर केवल मैंने माइनस वन किया है मैंने वन किसके लिए जब इस हर एक जगह पे थ्री आ गया तो वो माइनस होगा जब यहाँ पे हर एक जगह पे जीरो आएगा तो वो केस माइनस करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि दो डिस्टिंग डिजिट यूज हो गए तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फिर आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं अपन फेवरेबल अपॉन में टोटल फेवरेबल को जब आप एड करोगे और सारा कैलकुलेट करोगे ना तो सारा कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा ये थर्टी सिक्स इन में totally कितना बना 9 into 10 to the power 4. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको जब आप आप करने जाओगे तो में कर सकते हो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आप छोड़ रहा हूं और कैलकुलेट आप आराम से कर ही सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका उसको देखिए ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिया गया क्वाडिटी का जो पार्ट है और आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा ठीक है ओपनिंग अपवर्ड है और एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन जीरो ग्राफ बनाना है विथ गिवेन कंडीशन जीरो के कोरोस्पोडिंग वैल्यू टू आएगी ये दिख रहा है मतलब अपवर्ड तो है ही है और जीरो पे पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ग्राफ इसका कुछ इसी टाइप का बनना चाहिए ठीक है तभी तो जीरो और वन के बीच में एक रूट आएगा और जीरो पे पॉजिटिव वैल्यू भी देगा ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो पे फिर नेगेटिव आ जाएगा जबकि जीरो पे फिक्स है पॉजिटिव आना चाहिए तो इस ग्राफ की कंडीशन क्या लिखोगे एफ ऑफ वन शुड बी लेस देन जीरो बट एक पॉसिबिलिटी यह है ना बच्चों क्या पता ये कुछ इस टाइप का भी ग्राफ बना ले एफ ऑफ वन मे बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो अब इसके लिए सॉल्व कीजिए तो दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर लेमडा प्लस टू दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो फाइनली कैलकुलेट करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो लेमडा बिलोंग टू वन से लेके थ्री के बीच में लेमडा इज इक्वल टू वन जब पुट करेंगे यहाँ पे तो देखो जरा क्वाड्रेटिक क्या बना क्वाड्रेटिक बना टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू दिसम्स माइनस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स इज एक मतलब क्या बना इस केस में जो क्वाड्रेटिक बनेगा जो ग्राफ इसका प्लॉट होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा क्या ये अपना रिक्वायर्ड ग्राफ है

तो थ्री पे इसलिए अपन क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं बट वन पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन अगेन ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है जिसमें ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर पूछा गया है तो ऑर्थो ऑर्थोसेंटर की डेफिनेशन यूज कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स माइनस वन कॉमा सेवन बी इज माइनस सेवन कॉमा वन सी इज फाइव कॉमा माइनस फाइव एल्टीट्यूड्स क्या होता है बच्चों यहाँ से एक लाइन जाएगी जो कि परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से एक जाएगा जो इधर परपेंडिकुलर होगा मैं नाम दे देता हूँ माइनस वन बाई टू तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई टू हो गई तो इक्वेशन ऑफ ए एम ये जो लाइन चल रही है स्लोप पता है पॉइंट पता है माइनस वन कोमा सेवन

बी एन स्लोप पता चल गया वन बाई टू इक्वेशन वाई माइनस वन वन बाई टू एक्स प्लस सेवन सॉल्व बोथ लाइन दोनों लाइन को सॉल्व कर लीजिए लाइन मतलब क्या हो गया ये एल्टीट्यूड्स हो गया दोनों एल्टीट्यूड्स को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू थ्री आएगी एंड x इज इक्वल टू माइनस तो ऑर्थो सेंटर जो होगा आपका थ्री कॉमा थ्री यही पॉइंट होगा इंटरसेक्शन माइनस थ्री कॉमा थ्री बच्चों ये आगे बढ़ते इंसर्शन ऑफ अर्थमेट्रिक मीन एंड जोमेट्रिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं एक बार देखिए पहले ये देखते हैं थ्री जोमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन थ्री एंड टू फोर्टी थ्री तो जब आप जोमेट्रिक मीन निकालते हो ना दो नंबर के बीच में तो एक कॉमन रेशियो आता है दैट इज तो टू फोर्टी थ्री अपॉन में थ्री बी बाई ए की पावर में थ्री रखोगे? रखोगे क्योंकि नंबर ऑफ जोमेट्रिक मीन आपका थ्री है तो ये एट्टी वन की पावर में वन बाय फोर तो ये आपका थ्री हो गया कॉमन रेशियो थ्री आ गया तो देखो अब तो एक तो थ्री हुआ पहला नंबर अगला नंबर क्या होगा थ्री इंटू थ्री की पावर वन फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन थ्री इंटू थ्री क्यूब तीन ज्योमेट्रिक मीन लास्ट नंबर क्या है टू फोर्टी थ्री है ये सब आपका जीपी बनाता है तो यहां से मैंने सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन पता कर लिया और सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन जो अपना आ रहा है वो आप देख सकते हो ठीक है वो क्या आ गया आपका थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर सेम एपी के लिए जब काम करेंगे एम अर्थमेटिक मीन निकाला है अपन ने उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होता है बी माइनस एज टू फोर्टी थ्री माइनस थ्री अपॉन में एम एम प्लस प्लस वन वन दिस अपॉन में ठीक है फोर्थ अर्थमेटिक मीन चाहिए आपको ठीक है तो पहला नंबर तो थ्री हुआ ए वन ए टू चलता जाएगा लास्ट नंबर इज टू फोर्टी थ्री और ये सारा आपका ए बनाएगा ए फोर की अगर बात करें बच्चों तो ए फोर इज एक मीन तो सेकंड जोमेट्रिक मीन क्या बना थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर तो नाइन इंटू थ्री कितना बन गया ये ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन इज एकल टू थ्री प्लस फोर टाइम्स 240 अपॉन में m प्लस 1 ये इक्वेशन बननी चाहिए तो 24 ये 6 तो m प्लस 1 इज इक्वल तू 40 m इज इक्वल तू 39 ये 39 वैल्यू आनी चाहिए ठीक है अब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो ठीक है

1.2 टू बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज वन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन एक्स माइनस वन फाइनली y प्लस एक्स इज ये अपना नॉर्मल का इक्वेशन आ गया अब देखिए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इतना एट सी कॉमा इवर सी यहां पे डी वाई बाई डी एक्स तो टू दावर एक्स आएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सी पे बोला है मतलब पावर 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 इक्वेशन होगी अब ये जो लाइन है और ये जो नॉर्मल है दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट एक्स एक्सिस ये कहा एक्स एक्सिस मतलब वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका देख लीजिए वाई को जीरो तो एक्स का कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा जीरो। ये जो लाइन है एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है थ्री कॉमा जीरो। तो इसका मतलब ये भी पास करेगा थ्री कॉमा जीरो से तो पुट कर दीजिए इसमें थ्री कॉमा जीरो तो के बदले जीरो तो माइनस वन इज एक क्लियर है बच्चों आराम से आ जाएगा कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते

बी की वैल्यू वन माइनस रूट टू ले ली और मैंने सी की जो वैल्यू है यहाँ से टू पावर वन बाई फोर ले ली ठीक है अब देखो अब अगर सारा चेक करें तो आप देखो ए आर वन बी मतलब वन प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर पूरा कैलकुलेट कीजिएगा ना तो यहां से जो आएगा आपका आ, ये सिक्स आ जाएगा बिलोंग टू तो रेशनल नंबर मतलब ए आर बी सेटिस्फाई किया ठीक है ए बी सेटिस्फाई किया तो बी आर वन सी लेते हैं मतलब बी दैट इज वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर और सी का स्क्वायर दैट इज ए टू द पावर वन बाय टू ये बना यहाँ से ठीक है अब अगर इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो यहाँ से जो पार्ट बनेगा देख लीजिए वन प्लस तो ये आपका थ्री बना दिस इज आल्सो रेशनल नंबर तो ए बी बी सैटिस्फाई किया बी सी सैटिस्फाई किया देन ए कॉमा सी भी सैटिस्फाई करना चाहिए इफ दिस इज ट्रांजिटिव तो ए आर 1 सी पे काम करते हैं ए क्या है आपका 1 √2 का स्क्वायर और सी क्या है a टू द पावर 1/4 इसका स्क्वायर जब करोगे तो दिस इज a टू द पावर 1/2 ये आपका रेशनल नंबर नहीं आएगा ये रेशनल नंबर नहीं आएगा इसका मतलब ये सैटिस्फाई नहीं किया तो r1 इज नॉट ट्रांजिटिव क्लियर है बच्चों तो r1 ट्रांजिटिव तो नहीं है मतलब सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से एक r2 पे भी काम करना पड़ेगा फॉर r2 ठीक है r2 के लिए जो आप नंबर लोगे तो उसमें कुछ इस तरह से लीजिए a के बदले सेलेक्ट कीजिए 1 √2 ठीक है बच्चों और b के बदले सेलेक्ट करो √2 और c के बदले सेलेक्ट कीजिए 1 √2 अगेन ये पुट करते जाओ तो आपको पता चलेगा r2 इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव r2 इज

टू अपॉन में फाइव तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना पूरा अगर इसमें पुट किया मैंने पूरा पुट कीजिएगा तो एन की दो वैल्यू आएगी यहां से कौन कौन सी सिक्सटी वन और एन इज इक्वल टू फोर्टी कैलकुलेट कर लीजिए क्वाड्रेटिक बनेगा आपका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा दैट इज एन स्क्वायर माइनस में वन जीरो वन एन प्लस में टू फोर फोर जीरो मैंने सॉल्व कर रखा है बगल में तो ऐसा नहीं कि मुझे रटा हुआ है मैंने भी सॉल्व किया तभी मैं लिख पा रहा हूं यहाँ पे ताकि वीडियो में छोटा बना सकूं ठीक है अब ये आया अब इसमें आगे क्या बोला एनए टर्म इज नेगेटिव कौन से एन के लिए एन एथ टर्म नेगेटिव है तो पहले तो इसका टी एन लिखिए तो टी एन लिखिएगा तो ए दैट इज हंड्रेड अपॉन एस एन माइनस वन और डी इज माइनस टू अपॉन एन के बदले जब एक बार फोर्टी पुट करोगे तो t 40 तो 40 माइनस 1 39 तो 100 अपॉन में 5 माइनस 39 इनटू uh, 2 कितना हो जाएगा 78 अपॉन में 5 ये तो ग्रेटर देन जीरो हुआ जब आप n के बदले 61 कीजिएगा तो t 61 डेट इस 100 अपॉन में 5 ये 61 माइनस 1 60 तो माइनस में 120 अपॉन में 5 माइनस 20 अपॉन में 5 दैट इज माइनस 4 ये लेस देन जीरो आया एंड एन एन फाइंड एन टी एन होना चाहिए क्लियर है बच्चों? ठीक है तो ये आपका थर्टीन क्वेश्चन हो गया इस पार्ट पे थर्टीन शायद ट्वेल्थ क्वेश्चन होगा नंबरिंग का कुछ इशू है आ, और <clears throat> तो उम्मीद है आपको ये सारी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो बता सकते हो तो बच्चों मैं यहां पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन थैंक यू वेरी मच